हेलो फ्रेंड्स, आज हम खजूर की खीर बना रहे हैं। सर्दियों के मौसम में मिलने वाले पिन खजूर बहुत ही गुणकारी होते हैं और उसकी खीर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है ये खीर और टेस्ट में बहुत ही टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएँ। तो मैं हूँ नीता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद नीता में। तो आइए बनाते हैं पिन खजूर की खीर। खजूर की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉल खजूर लिए हैं जिनकी गुठलियाँ निकाल के इनको इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ में मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और किशमिश लिए हैं। अब मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है। घी के मेल्ट होने पर मैंने यहाँ पे काजू डाल दिए हैं। काजू को मैंने इस तरह से लंबा लंबा खोल लिया था, बहुत ज़्यादा बारीक टुकड़े मैंने नहीं करे हैं इसके। और साथ ही साथ मैं दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये बादाम मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लगभग 1 मिनट इनको हम रोस्ट करेंगे और दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पहले हम इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसी घी में हम किशमिश को भी रोस्ट कर लेते हैं। तो किशमिश को भी हमने इसमें डाल दिया है और लगभग 1 मिनट के लिए इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। अब किशमिश को भी हम उसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं जिसमें हमने और ड्राई फ्रूट्स रखे थे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं खजूर जो कि हमने बारीक काट कर रखे थे। इनको भी हम 1 मिनट के लिए इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। 1 मिनट रोस्ट करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 लीटर दूध और गैस का फ्लेम तेज करके इसको हम बॉईल होने देंगे। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, एक बाउल में 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लेंगे। तो दोस्तों, मिल्क पाउडर डालने से किसी भी खीर का जो फ्लेवर होता है बहुत ही इनहेल हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। इसमें हम थोड़ा सा ठंडा दूध डालेंगे। ध्यान रहे, दूध कभी भी मिल्क पाउडर को जब आपको घोलना हो तो दूध हमेशा ठंडा वाला ही यूज़ कीजिएगा। कुनकुना या गर्म दूध इसमें लम्स बना देता है। तो अच्छी तरह से इसको घोल लिया हमने, इसमें से लम्स बिल्कुल हट गए हैं। और अब ये जो खीर उबल गई है यानी कि बॉयल होना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं, इसमें मैं ये मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे खीर की थिकनेस भी बढ़ती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें फ्लेवर और कलर के लिए हम कुछ धागे केसर के डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने केसर के कुछ धागे डाल दिए हैं और इसको भी हम खीर के साथ उबाल लेंगे ताकि इसका कलर बहुत बढ़िया हो जाए। 5 मिनट उबालने के बाद आप देख सकते हैं केसर ने अपना कलर रिलीज कर दिया और बहुत ही अच्छी खुशबू भी उसमें आ रही है। अब हम यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून के करीब चीनी ऐड करी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि पिन खजूर यानी कि जो खजूर होते हैं वो काफ़ी स्वीट होते हैं, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे चीनी ऐड कीजिएगा। आप इसकी जगह पे गुड़ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून ड्राई कोकोनट को ग्रेट करके ऐड किया है। ये बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों के मौसम में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसको भी मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम इसको भी खीर के साथ अच्छी तरह से उबाल लेंगे। गैस का फ्लेम थोड़ी देर तेज करके इसको इस तरह से उबाल लीजिए। आप देख सकते हैं किस तरह से खीर उबल रही है। तो इसको तेज फ्लेम पे अगर हम इस तरह से उबालेंगे तो ये थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी और थोड़ी सी रिड्यूस भी हो जाएगी। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने घी में निकाल के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देते हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हमने गार्निशिंग के लिए रख लिए हैं। तो देखिए, हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने इसमें इलायची पाउडर नहीं डाला है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर दीजिए। तो देखिए, बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी खीर बनकर हो गई है ना तैयार। ये खीर हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो फ्रेंड्स, कुछ ड्राई फ्रूट से हम इसको गार्निश कर देते हैं, थोड़े पिस्ते इसके ऊपर डाल देते हैं। बहुत ही सुंदर दिख रही है ना, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और कई फायदे हैं इसके। जिनको सर्दी जुकाम खांसी हुआ है उनको अगर ये खीर खिलाएं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस टेस्टी सी रेसिपी के साथ आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल शुभ और मंगलमय हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।